अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमीज गुड लाइफ। मैं अमरीन अली आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नरगिसी कोफ्तों की रेसिपी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। और अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं या न्यू व्यूवर हैं और अब तक आपने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू के बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो ये है आधा किलो खीमा, 500 ग्राम खीमा, इसलिए कि झटपट गल जाता है, आसानी होती है गलने में, इसलिए आप गोश्त ले सकते हैं, खीमा लेना ज़रूरी नहीं है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, कबाब चीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं और गरम मसाला भी, आपको ज़्यादा मसाले पसंद है तो 1.5 टीस्पून डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में खीमा डालेंगे। उसके बाद सारे मसाले डाल देंगे, अदरक लहसुन, लाल मिर्च, नमक और हल्दी और गरम मसाला, कबाब चीनी का पाउडर। उसके बाद हम एक डल्ली कटी हुई प्याज डालेंगे मीडियम साइज की। ये है चने की दाल 4 टेबल स्पून, इसे भी हम धोकर डाल देंगे। और साथ ही में हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना के पत्ते डाल देंगे। अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद इसमें हम तेल डालेंगे 6 से 7 टेबलस्पून, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं या फिर 5 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। इसमें तेल रहना ज़रूरी है, अच्छा टेस्ट आता तेल से भी। अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और प्रेशर कुक होने के लिए 5 से 6 सीटी होना, उसके बाद हम बंद कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, खीमा गल चुका है। अब 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको भून लेंगे ताकि पानी पूरा सूख जाना। पानी अच्छे से सूख चुका है और खीमा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसे निकाल देंगे एक बड़ी सी प्लेट में, ठंडा होने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। उसके बाद इसे पीस कर इसका अच्छा फाइन पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। ये है उबले हुए अंडे, तो चलिए शुरू करते हैं कोफ्ते बनाना। तो सबसे पहले हम हैंड्स को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से ताकि चिपके ना पेस्ट। उसके बाद हम इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब अंडे को रखकर इसे पूरा कवर कर देंगे हम, बिल्कुल इसी तरह से करना है। आप चाहे तो अंडे को पहले मैदा या आटा भी लगा सकते हैं, उसके बाद ये लगा सकते हैं पेस्ट। बिल्कुल इसी तरह से धीरे धीरे करना है। इस तरह लड्डू के वैसा इसे कर देंगे राउंड राउंड, उसके बाद इसे रख देंगे। हमारे सारे कोफ्ते बनकर रेडी है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए हम एक नॉनस्टिक तवा लेंगे, उसमें तेल डालेंगे 2-3 चमचे। जैसे ही तेल गरम हो जाए अब हम सारे कोफ्ते रख देंगे। और मीडियम फ्लेम पे कर देंगे इसे और धीरे धीरे पलटाते रहेंगे। और चारों तरफ पलटाते रहना है। तो कोफ्ते बनकर बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हाँ, बाजू के बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।